तो स्वागत है आपका ज्ञापन अकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिगंध भाग 2 का काव्य खंड निकलेगा और उसका चैप्टर नंबर 10 देखेगा। ये लेसन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक बार इसको देख लेने के बाद इससे मेरा गारंटी है बाबू एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा और इससे एग्जाम में रहेगा। अब पूछेगा सर इसी से एग्जाम में ज़्यादा क्यों रहेगा, तो बता रहे हैं। देखिए ये जो आपका कविता दिया गया ये आपके राष्ट्र से रिलेटेड यानी देश से रिलेटेड है, ठीक है। कि क्या इसमें इस चीज़ की चर्चा किया गया कि क्या देश के पहले जिस तरह गरीबों की स्थिति थी क्या वही स्थिति आज भी है। कुछ ट्रिक याद रखिएगा, जैसे रघुवीर, आप बताइए कोई वीर व्यक्ति हो तो क्या वो परेशानी से डर जाएगा? सोच के देखिए, कभी परेशानी से नहीं डरेगा, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, वो हमेशा अपने नए जीवन के बारे में सोचेगा। जितना बोल रहे हैं उतना सुनते चलिए, सब ट्रिक है मेरे, एक एक वर्ड में ट्रिक है। वीर आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता है, वो हमेशा आत्महत्या के विरुद्ध में रहता है और हमेशा कहता है, लोगों को समझाता है कि हम लोगों को नया जीवन की शुरुआत हमेशा करना चाहिए। रोज़ सोचो कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, रोज़ फिर से शुरू करो, रोज़ कुछ नया करो कि मैंने आज क्या किया। तो याद रखिएगा ये कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या के विरुद्ध रहेंगे। और दूसरा आपको बताया ये हमेशा नव जीवन की शुरुआत करते रहेंगे, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और भी आपको ट्रिक पता चलेगा जब आगे पढ़ेंगे। तो यहां देखिएगा और एक और चीज देते हैं, कहते हैं कि देखिए दुनिया में दुख किसको नहीं है यार, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, नए जीवन की शुरुआत करो, है कि नहीं। और आत्महत्या के विरुद्ध हमेशा रहते थे, तो याद रखिए क्योंकि ये वीर थे। क्या थे? वीर थे। आइए हम देखते हैं इनका जन्म बाबू, यहां समझिएगा 9 दिसंबर में ही जन्म हुआ, इसी महीना में मृत्यु भी हो गई 9 दिसंबर को। अभी नहीं कि दो तीन महीना के थे तो मर गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। 9 दिसंबर को जन्म हुआ 1929 में और इनकी मृत्यु, इस 9 को हटा दो, 2 को इधर हटा दो, इधर 9 को सटा दो, 2 को हटा दो, तो 9 को इधर सटाओगे तो 1 1 9 हो जाएगा और 2 को हटा के क्या लिख देना, 0। तो याद रखिएगा 1929 में इनका जन्म हुआ और 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जन्म ये कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो जहाँ जन्म हुआ, लखनऊ बहुत अच्छा जगह है, तो वहीं पे ही अपना पढ़ाई लिखाई भी किए, जन्म वहीं हुआ है। बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जन्म होता है उसी के गांव टोला मोहल्ला में पढ़ लेते हैं या फिर उससे जो वहाँ शहर नज़दीक होगा वही। तो ये भी बाबू लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े थे क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 9 दिसंबर को हुआ था और मृत्यु 30 दिसंबर को हुआ था, लास्ट वाले महीना जो होता है ना, एक दिन और बच गया था, 1990 में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम हरदेव सहाय, याद कैसे रखेगा, रघुवीर सहाय लास्ट में, इसमें भी सहाय है, तो वैसे भी ये तो ऐसे ठीक मार ही लीजिएगा। शिक्षा ये एमए किए हैं, वो भी इंग्लिश से किए हैं, अंग्रेजी से पढ़े हैं, वीर हैं, बहुत वीर हैं, डरते नहीं हैं, ठीक है। और वही लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है। और इनको किस में रुचि थी, तो इनको संगीत सुनना, फिल्में देखना, इन सब में क्या था, रुचि था। गाना सुना और फिल्म में गाना तो आता ही है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि फिल्म और फिल्म का गाना भी भगाते नहीं थे, आराम से देखते थे, नैन सुख लेते थे। यहाँ देखिए ये इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से की है, समया दे कौमदी नामक कविता, यहाँ पे कविता केंद्र की स्थापना किया और कविता वाचन के लिए इन्होंने, सभी के कविता वाचन के लिए कौमदी नामक कविता केंद्र की स्थापना हुआ था। अब देखिएगा इनको प्राइज मिला था, क्या मिला था इनको प्राइज, कौन सा, लोग भूल गए हैं, यहाँ समझिएगा, सही बात है, ज़्यादा दिन तक बातें ना करो किसी से तो लोग भूल जाते हैं ना, वही यहाँ पे बात है, लोग भूल गए हैं। जब ये सुने इतना अच्छा लगा इनको, ये मतलब इससे इसके बारे में कहानी समझ लो एक तरह से, कि इनको अकादमी पुरस्कार मिला, कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, रघुवीर सहाय, सहाय स से शुरू हुआ और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी स से, इसमें स से शुरू हुआ य पर खत्म हुआ, इसमें भी स से शुरू हुआ और य पर खत्म हुआ, तो रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस लिए? लोग भूल गए हैं। किस लिए? लोग भूल गए हैं। पत्रकारिता यहाँ पे देखिए क्या लिखे, आपको बताया था नवजीवन से आरंभ, इन्होंने सबसे पहले पत्र लिखने की शुरुआत, पहला पत्र लिखा नवजीवन, पहला पत्र क्या लिखा नवजीवन, और नवजीवन से इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत कर दी। आपको बताए थे कि वीर लोग हमेशा नवजीवन यानी नया जीवन की शुरुआत करते हैं, वो कभी आत्महत्या नहीं करते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। तीन गो चीज़ याद हुआ, नया जीवन की शुरुआत करते हैं, डर से कभी आत्महत्या नहीं करते वीर लोग, और हमेशा हंसते रहते हैं, ये तीन चीज़ जरूर आप याद रखिएगा। यहाँ देखिए विशेष संवाददाता, यहाँ पे अगर बात करें तो नव भारत टाइम से विशेष संवाददाता हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, तो
1979 से लेकर के 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्रिका में ये काम किया, यानी कि वहाँ के प्रधान संपादक थे, यानी इनको हेड बना दिया था। वैसे इंग्लिश से पढ़े भी थे, ठीक है, तो उनको हेड बना दिया गया था। कौन? 1979 से 1982 तक बना दिया गया, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। कौन दिल्ली में है? दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है। अब देखिए इनकी कृतियाँ है, कृतिया का मतलब यहाँ जो लिखे हैं वो है, लेकिन ये जो कवि थे ये किस ग्रुप के कवि थे? दूसरा सप्तक के ये कवि थे। इसी में अब दूसरा सप्तक माने होता है सात कवियों के समूह को सप्तक कहते हैं। आप बताइए, यहाँ पे आपको बताया कि दूसरा सप्तक के संगठन, दूसरा सप्तक की स्थापना अज्ञे ने किया था, यानी कि इसकी शुरुआत किसने किया था? अज्ञे, इसके हेड थे अज्ञे। अब आप बताइए कि दूसरा सप्तक की स्थापना कब हुई, आपको कमेंट में बताना है। देखिए बाबू, जब आप कमेंट कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा कि आखिरकार इसकी स्थापना किसने की थी। हम आपको इसके पहले वाले लेसन में जरूर बताएं दूसरा सप्तक, तार सप्तक क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। वैसे बता भी दे रहे हैं, 1951 में हुआ था किसका दूसरा सप्तक, और पहला सप्तक 1943 में हुआ था। आई दोनों की शुरुआत अज्ञेय ने किया था, और इसी सप्तक यानी सात कवियों में एक कवि आते हैं रघुवीर सहाय। तो इन्होंने ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इन्होंने कृतियाँ लिखा है सीढ़ियों पर धूप है। क्या लिखा है? सीढ़ियों पर धूप में। क्या लिखे हैं बाबू? सीढ़ियों पर धूप में। और उसके बाद से आत्महत्या के विरुद्ध, तो वीर लोग आत्महत्या नहीं करते हैं, और क्या करते रहते हैं? हंसते रहते हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है, हम वीर हैं, डरते नहीं हैं, ठीक है, और आत्महत्या के विरुद्ध। अब देखिए कहानी में लिखे हैं वही बात है जो यहाँ पे कृतियाँ है ना, उनकी कहानी को रूप में माना गया है। सीढ़ियों पर धूप में रास्ते इधर से हैं, और जो आदमी हम बना रहे हैं ये सब लिखे हैं, ठीक है, एक नोट में याद रखिएगा। और एक और यहाँ नोट में है जो आपको हम बता दिए हैं, नोट में क्या याद रखिएगा, 6 खंडों में राजकमल का प्रकाशन हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि राजकमल का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो दिल्ली से हुआ था। अब ये कैसे याद होगा, तो सुनिए आप बताइए, शुरू से जो बाबर थे, अकबर थे, ये अपना राज्य दिल्ली में कायम किए थे कि नहीं? दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ते हैं ना, मुगलिया सल्तनत, तो उसी तरह दिल्ली से शासन किए हैं। तो राजकमल यानी राज वाला सिस्टम जो है वो कहाँ से होता है? दिल्ली से होता है, और ये रघुवीर सहाय का है। अब यहाँ लेसन में किस चीज़ का चर्चा किया है, इसमें जो अधिनायक शब्द है जनगणमन अधिनायक, अधिनायक शब्द के ऊपर व्यंग कसा गया है। क्या कसा गया है? व्यंग, ताना मारा गया है कि आजकल के ज़माने में कौन अधिनायक है, और नेता लोग है, ठीक है, जो आज तक गरीबों को एकदम गरीब ही समझते रहा, गरीबी हटाओ नहीं गरीबों को हटाओ नारा लगाया, वो लोग है, तो वही अधिनायक, किसको अधिनायक बोला गया है, ठीक है। यह कविता क्या करता है, किससे लिया गया? आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। आपको बताए थे ना वीर लोग कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि अधिनायक जो ये कविता है ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है किससे? आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। तो आपको कमेंट में बताना है कि इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, जो हम ट्रिक बताएं उसी पर कि वीर लोग क्या क्या करते हैं, आपको जरूर कमेंट बताना, आपको याद हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इनके लेसन में आखिर क्या क्या ये बोले हैं। तो अब हम लोग इस लेसन में देखते हैं बहुत ही शानदार तरीका से इस कविता का अर्थ इधर लिखा गया है, जो कि आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। ये लिखने के पीछे वजह क्या था आपको हम बता दे रहे हैं, ताकि आप आसानी तरीका से आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी खुद से पढ़ के और इजी वे में आसान भाषा में लिखा गया समझ सकते हैं। समझिएगा, यहाँ पे इस कविता में चर्चा किया गया है नेताओं के बारे में, कि अभी नेता आते हैं बहुत बढ़िया एकदम गाड़ी से आते हैं, चारों तरफ से बॉडीगार्ड आता है, और हम लोग गरीब होकर के चुपचाप ऐसे खड़े हो जाते हैं और नेताजी को एकदम प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं कि नहीं, मतलब ऐसा करते हैं, तो वो जो रिस्पेक्ट देते हैं आखिरकार वो कौन है भाई? इस लोकतंत्र देश में जहाँ लोग आज़ाद हैं, उस देश में ये कौन महाराजा की तरह उतर रहा है जिसके चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, एकदम भाई लग रहा है कोई राजा उतर रहा है। इसी के बारे में जिक्र किया गया, व्यंग कसा गया, ताना मारा गया कि लोकतंत्र में इसका इज्जत क्या करें। इनडायरेक्ट रूप से नेताओं के बारे में कहा जा रहा है, मशरूम, समझ रहे हो ना, बस वही। यहां देखिए कह रहा है यहां पे, राष्ट्रगीत में भला वह कौन है, जब तुम राष्ट्रगान गाओगे ना, जनगण मन अधिनायक जय है, ये जब गाओगे तो यहां समझिएगा, राष्ट्रगीत में वह भला कौन है, भारत भाग्य विधाता। आखिरकार किसे राष्ट्रगीत में भारत भाग्य विधाता, यानी राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता कहा गया है, जो ये कौन ये गाता है? आप देखिएगा,
जो राष्ट्रगान सब लोग गाता है, एक गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रगान गाता है, एक अमीर व्यक्ति भी गाता है, कि क्या गाता है, भारत भाग्य विधाता। अब बताइए कि भारत का विधाता, भारत का भगवान वो कौन है जो सभी लोग उसके बारे में गाते हैं, कौन कौन गाता है, तो यहाँ देखिए, फटा सूतना पहना जिसका गुण हरचरना भी गाता है, एक हरिचरण नाम का लड़का है, वो हरचरना जर कौन है, फटा पुराना पहना हुआ है, कैसा कपड़ा पहना हुआ है, फटा पुराना पहना हुआ है, फटा पुराना पैंट पहना हुआ है, और वो भी गाता है भारत भाग्य विधाता। आखिर ये भारत भाग्य विधाता कौन है, हमारा यही बात है। यहाँ अर्थ लिखते हैं, यहाँ लिखे पता नहीं राष्ट्रगान में यह भारत भाग्य विधाता कौन है, ठीक है, जिसका गुणगान फटा सूतना पहने हरचरना कर रहा है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यहाँ देखिए इसका अर्थ नीचे निकलेगा, लेकिन जानिए एक लोकतंत्र, लोकतंत्र माने जहाँ लोग आज़ाद रहते हैं, हम लोग लोकतंत्र में पहले राजा महाराजाओं का जमाना था तो राजतंत्र था, आज लोग अपना शासन करते हैं, यानी लोग नेता चुनते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पता नहीं किसका गुणगान किया जाता है, और एक गरीब जो हरचरना है ना वो गा रहा है। यहाँ देखिए, अब वो देखिए किसका गुणगान है, एकदम एक दो सेठ की तरह आते हैं, मखमल टमटम वल्लभ तुर्की पगड़ी छत्र चंवर के साथ ही आते हैं, यानी मखमल का कपड़ा पहने टमटम पर बैठ करके तुर्की बजाते हुए, ठीक है, और पगड़ी ऊपर रखते हुए, ऊपर से पीछे से वो छाता लेके इस तरह रखा है, ठीक है, और चंवर डोलाते हुए, चंवर मतलब क्या, उसको पंखा डोलाया जा रहा है, वो व्यक्ति कौन है भाई, ठीक है, उसके यहाँ देखिए उसके स्वागत पर तोप के गोले भड़काए जा रहे हैं, छुड़ा करके ढोल बजाया जा रहा है, और उसकी जयकारा लगाया जा रहा है। जय जय कौन कराता है भाई, ये जय जयकार कौन कराता है, आखिरकार वो कौन है जिसके लिए ये सभी चीज़ें हो रहा है। यहाँ देखिए अर्थ में भी समझ लीजिए, ठीक है, मखमल का वस्त्र धारण किए हुए टमटम पर सवार होकर वल्लभ तुर्की पगड़ी, ये सब पगड़ी पहन करके बांध करके सर पे जो पगड़ी होता है ना वो, यहाँ पे छत्र, छत मतलब होता है छाता, क्या होता है, छाता होता है, छाता के साथ और उसके आगे पीछे चौर डोलाते हुए हिलाते हुए कह सकते हैं, लोग उसका तोपों द्वारा स्वागत कर रहे हैं, ढोल बजाकर अपनी जय जयकार लगवाने वाला वो कौन है, वो कौन आता है, नेता की बातें करें, जब कोई नेता आता है ना तो लोग एकदम उसके स्वागत में ये सर माला पहनाते हैं, ढोल बजवाते हैं, तो आखिरकार वो कौन नेता है, उसकी क्या वैल्यू है भाई, इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ लोगों का शासन होना चाहिए, लग रहा है कि वो कोई राजा आ रहा है, ऐसा उसका स्वागत नहीं होना चाहिए, उसका भी स्वागत एक आम जनता की तरह होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जनता का हिस्सा ही है, पार्टी है, लोगों का पार्टी है, ठीक है। यहां देखिएगा, जब हमारा राष्ट्रगान, जब हम लोग 15 अगस्त से 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, तो उस वक्त एकदम सेठ की तरह आकर के झंडा तोलन करके जाता है। अब देखिएगा वो कौन है भाई, ये झंडा तोलन करके आता है, और उसके लिए सभी लोग, एक गरीब व्यक्ति जिसका शरीर में मांस नहीं है, एकदम हड्डी की तरह एकदम हिल रहा है, वो भी आकर के एकदम ऐसे जबरदस्त तरीके से खड़ा होकर के, और जनगण मन अधिनायक की जय है ये गाना गाता है। यहाँ समझिएगा, पूरा पश्चिम से आते हुए नंगे नरकंकाल, पूरा पश्चिम यानी सभी दिशाओं से इसको माना जाएगा, पूरा पश्चिम का मतलब सिर्फ पूरा पश्चिम से नहीं, सब जब राष्ट्रगान होता है तो सभी दिशाओं से लोग आते हैं, पैर में चप्पल नहीं होता है, नंगे पांव आते हैं, और वो पता है उनका शरीर इतना पतला होता है कि लगता है कि नर कंकाल की तरह, एकदम कंकाल की तरह हड्डी हड्डी दिखता है, ठीक है। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, अब देखिए एक व्यक्ति है, अब यहाँ समझिए एकदम नर कंकाल की तरह है, ठीक है, और पूरा का पूरा गरीबों का शोषण वही करता है, कौन, जो सिंहासन पर बैठा है, और उन लोगों के तमगे खुद लगवाता है, तमगे यानी मेडल। अब देखो नेता क्या करता है, नेता आता है सब गरीबी देख लेगा, ठीक है, आ करके दिलासा भी देके चला जाएगा। राष्ट्रीय त्यौहार पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव कंकाल की तरह दिखाई देती है, यानी कंकाल की तरह नंगे पांव आती है, सभी लोग क्या करते हैं, झंडा गान गाने के लिए नंगे पांव वैसे ही दौड़ जाते हैं, बस सीधा खड़ा रहना है, ठीक है, और उनका शरीर एकदम कंकाल की तरह पतला दुबला है, और गरीब किसानों का जो भी कमाई होता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसका अर्थ यही है, जो भी कमाई होता है उसको कौन हड़प लेता है, एक तो ऑलरेडी ये जो सेठ जी हैं सिंहासन पर बैठे हैं वो हड़प लेते हैं, और अधिकारों का मेडल भी इनके द्वारा दिया जाता है। अगर बात करें कि जब इनकी कोई कमाई हड़प लेगा, गरीबों का कमाई कौन हड़प, सिंहासन पर बैठने वाले हड़प लेते हैं, तो जब गरीब जाते हैं मांग करने के लिए कि मेरे ये मांग को पूरा कीजिए, तो उस वक्त उनके अधिकारों की तरफ से बोलने वाला कौन होता है, यही होता है जो सिंहासन पर बैठा है, लूटता यही है, और जब लड़ोगे तभी मिलेगा, तो देने वाला मेडल यही होता है, ठीक है।
आखिर ये तमगे लगाने वाला कौन है, ये हमारा अधिकार देने वाला कौन है, इसकी क्या औकात है कि हमारा अधिकार देगा, जबकि हमारा अधिकार तो आज़ादी के बाद मिल ही गया था कि हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग को जो मन करे। देखिए आर्टिकल जो है ये आप देखिएगा कि पूरे 22 भाग में, संविधान में टोटल 22 भाग, अब तो 25 हो गए हैं, 22 भाग में भाग 3 में आपके मूल अधिकार का चर्चा किया गया है, ठीक है। और मूल अधिकार तो हमको ऑलरेडी मिला है, तो फिर ये हमको अधिकार देने वाला है कौन, तू है कौन, ठीक है। जो आता है नेता लोग, हम लोग जाके गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे अधिकारों की मांग कीजिए, वो नेता है कौन, वो सिंहासन वाला है कौन जो हमारा तमगा लगाता है, हमारा अधिकार दिलाता है, हमारा मेडल दिलाता है, ठीक है। कौन कौन है वो, वह कौन कौन है, कौन कौन, जनगणमन अधिनायक वह महाबली, आखिर वह महाबली कौन है जिसके आते ही हम लोग एकदम डर जाते हैं, कांपने लगते हैं कि बाप रे नेताजी आए हैं, थोड़ा सा हट जाइए, साइड हो जाइए, ऐसा। वो कौन कौन है जो जनगणमन यानी जनता, जन मतलब जनता, गढ़ और मन, गढ़ माने समूह, जनता के समूह और उसके मन पर अधिकार जमाया है वो अधिकार अधिनायक, अधिनायक माने नेता होता है, वह कौन अधिनायक है जो जनता के मन पर अधिकार जमाया है, वो आखिरकार कौन बाहुबली है जो डरने के बावजूद भी उसी का हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसी का तारीफ करते हैं, आखिर वो कौन है, ठीक है। डरा हुआ मन, बेमन, डरा हुआ तो मन है ही, बिना मन का हम उसका तारीफ करते हैं, उसकी जय जयकारा लगाते हैं, उसके स्वागत पर रोजाना क्या करते हैं, गाना बजाना हम लोग आता है तो करने लगते हैं। वही यहाँ लिखा गया कि लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है, वह महाबली कौन है, यहाँ पे गरीब लोगों के मन पर अधिकार जमा लिया है, पूरा का पूरा गरीब लोगों के मन, बताए थे ना, मन पर अधिकार जमा लिया है, और लोग बेमन होकर भी उसका गुणगान गा रहे हैं, आखिरकार वह महाबली कौन है जो जिसके आने पर हम लोग गाना बजाना करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। इसका अर्थ इधर लिख दिए हैं, एक का एक अर्थ है, यहाँ पे चार ठो लिख दिए हैं। अब इसमें देखिए, आपके किताब में चार चार का ग्राफ बनाया, मतलब चार चार गैपिंग करके लिखा है, लेकिन हम इसमें एक में दो लिख दिए हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको बताए थे कि रघुवीर सहाय ने क्या लिखा है, अधिनायक। ट्रिक क्या था बता सकते हैं, वीर लोग, और फिल्म में जो भी ताकतवर होता है उसको हम लोग हीरो कहते हैं, हीरो कहते हैं, और हीरो को हिंदी में नायक कहा जाता है, क्या बोला जाता है, नायक। तो बताइए वीर कौन, नायक वीर है कि नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई कौन कौन सी कहानी है, कौन कौन सी कृतियाँ है, और ये जो अधिनायक, इस लेसन का क्या नाम है, इस लेसन का नाम है अधिनायक, ये अधिनायक जो कविता है ये कौन से कहानी या किस कविता या किस पाठ से लिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि अगला वीडियो में, देखिए क्या वीडियो में कमेंट करने से आपको ये फायदा होता है कि समझ में आया होगा तो याद भी हो जाता है कमेंट करने से, ठीक है, और आपका अटेंडेंस भी हो जाता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।